नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार दोस्त मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। जी हां, सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगी थी। कोर्ट में सीबीआई के वकीलों ने कहा कि इस समय सीबीआई रिमांड नहीं मांग रही है, लेकिन हम अगले 15 दिनों में इसकी मांग कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनीष सिसोदिया को सोमवार दोपहर शराब घोटाले से जुड़े मामले में स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया 7 दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में थे। पिछले हफ्ते ही मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की बेल से जुड़े मामले पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। जमानत से जुड़ी अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सीबीआई उनसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, जिस वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि उन्हें कस्टडी में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उनके वकीलों का यह भी कहना है कि उनके जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता को रिमांड के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह अपने साथी के बचाव में अजीबोगरीब तर्क देने में लगे हैं। कभी वो कहते हैं कि सिसोदिया तो साधु है, बताइए एक संत महात्मा को इन बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया। तो कभी वो कहते हैं कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर बीजेपी में चले जाते तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। अब बहरहाल केजरीवाल चाहे जो भी कहते रहे, हकीकत यही है कि मनीष सिसोदिया के दामन पर शराब घोटाले के रूप में भ्रष्टाचार का जो ये दाग लगा है, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल भी परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मनीष सिसोदिया को जेल भेजे जाने की खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।